मुख्यमंत्री रहते हुए जो इन्होंने काम किया है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, उसको भी हम लोग सराहना करने का काम करते हैं। इसलिए हमको आगे भी कार्यक्रम में जाना, फिर हम लोग आएंगे प्रचार में, फिर आपके बीच आएंगे। तो आप लोग लालू जी के साथ क्या कीजिएगा ना, लालू जी को जेल से निकलवाइएगा ना। मांझी जी जीतेंगे तभी ना, मांझी जी जीतेंगे ना, आशीर्वाद है ना। पूरा दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय करो ना जी। काम किया है आज लालू जी ने, जिंदगी भर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया, छात्र राजनीति से लेकर के अभी भी जेल में बंद है, लेकिन आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो झुकने का काम नहीं कर रहे। हमारे चाचा तो तुरंत पलटी मार दी, तुरंत झुक गए। रिजल्ट घोटाले का डर था तो भाई ने तो सीबीआई भी चली जाती, अंतर आत्मा जगाते थे, बोलते थे अंतर आत्मा मेरा जाग गया है, बात बात पर अंतरात्मा जागते थे। अब नीतीश कुमार जी पॉक्सो कोर्ट मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जब आपने सीबीआई जांच का निर्देश दिया तो आप कह रहे जनता के बीच जगह करके जवाब देने का काम कर रहे हैं, अंतर आत्मा को जगा रहे। हमको तो लगता है नीतीश चाचा जी का अंतर आत्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरा है। अरे मोदी जी बार बार लोग बीजेपी का लोग नारा लगाता था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। शिक्षकों को सही से समय पर वेतन नहीं मिल पाता, शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, क्या सुविधा मिल रही, किसको नुकसान हो रहा, पिछड़े भाई दलित भाइयों को नुकसान हो रहा, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूलों में, क्या व्यवस्था की गई है। तो ये सारे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि आज नॉमिनेशन हुआ है, मुझे कोई शक नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि मांझी जी रिकॉर्ड तोड़ वोट से यहाँ जीतेगा। और आप जान लीजिए जब लालू जी को साजिश के तहत फंसा करके भेजा गया जी, तो मांझी जी सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का साथ देने का काम किया है। तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं, एक बात सुन लीजिए कि मांझी जी को भारी से भारी मतों से मस्जिद में इबादत कौन करेगा जब इंसान पे खतरा रहेगा, तो गिरजाघर में कौन प्रेयर करेगा जाकर के जब इंसान पे खतरा रहेगा तो, इंसान नहीं रहेगा तो, गुरुद्वारा में मत्था कौन टेकेगा जब इंसान आपस में लड़ता रहेगा, मरता रहेगा, भाई भाई लड़ता रहेगा, तो कहां से अमन और चैन होगा, विकास का क्या फायदा। इसलिए जहां अमन चैन है वही आप लोग विकास पा सकते हैं। ये बुद्ध की धरती है, जितना बुद्धिस्ट कंट्री आप लोग देखिए कितना डेवलप कर गया, कितना विकसित हो गया, क्योंकि वहां अमन है, चैन है, भाईचारा कायम है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग कुछ चंद वोटों के लिए भाई भाई में लड़वाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को मुंह तोड़ जवाने जवाब देने का समय आ चुका है, इसलिए चुगने का काम मत कीजिएगा। ये कहा था कि देश बचेगा या टूटेगा, ये तय आप लोगों को करना है। लेकिन उस समय जितने लोग थे मोदी जी के जुमलेबाजी में फंस करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, आज देश की स्थिति देख लीजिए क्या हो गया। हर जगह सांप्रदायिक शक्तियां जो है बेलगाम हो चुकी है। आप देखिएगा जितना नौजवानों को रोजगार देने की बात की, 2 करोड़ प्रत्येक साल आज रोजगार मिला कि नहीं मिला, जितने नौजवान साथी हम आपसे पूछते हैं रोजगार मिला कि नहीं मिला। महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, और यहाँ बिहार को अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने ठगने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पलटू चाचा जी ने ठगने का काम किया है। आरा में बोली लगाई थी मोदी जी ने, क्या बोली लगाई थी, 70,000 करोड़ दूर की 80,000 काम किया था, बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, इस लड़ाई के साथ आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। और हम लोग सब लोग जो है मिलजुल करके जो बीजेपी का जो मंसूबा है, जब ये कहीं नहीं टिकते हैं, जब इनको मालूम चलता है कि ये हारने लगते हैं तो क्या काम करते हैं पता है। एक चुटकुला चला हुआ था कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे, राम जी को हिचकी आता है
तो सीता मैया पूछते प्रभु काहे हिचकिया रहा है। तो राम जी कहते हैं लगता चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है। फिर से दंगा फसाद कराने का काम करेगा, फिर से भाई भाई में लड़ाने का काम करेगा। उसलिए आप सब लोगों को देखिए, ये धरती शांति का प्रतीक है। जहां पीस है वही प्रॉस्पेरिटी है, यानी जहां शांति है, अमन है, चैन है, भाईचारा कायम है, वही विकास संभव है। वरना हम लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे। मंदिर में कौन